असलम टू ऑल माई व्यूअर्स सो इट वॉज लास्ट फ्राइडे और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिसाइड किया कि चलें आप मेरे साथ चलें ज़रा थोड़ा सा न्यू बॉर्न बेबी और अपनी जितनी भी जो है वो असेसरीज ले लें जैसे न्यू बॉर्न आएगा उसके लिए असेसरीज होंगी वैसे न्यू मम्मी के लिए भी तो होनी चाहिए सो मैंने उनको कहा कि चलें मुझे कुछ सामान लेना है तो मेरे साथ चलें तो उन्होंने कुछ टाइम निकाला मेरे लिए और फिर हम लोग निकले मैंने कहा चलें मैं अपना शॉट सा टुटोरियल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसकी उनको मैं प्रेप कर चुकी थी मैंने लाइट सा कॉन्ट्रॉल लगाया और उसके बाद Uh, उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये मैंने अपने तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान में मैं करती होती थी तो यहाँ पर uh, मैंने कहा चलो उस दिन बिल्कुल गर्मी बहुत होती है तो बेटर होता है कि जितना ज़्यादा आप लाइट कवरेज लें आप उतना ज़्यादा फ्रेश फील करें कि आपकी स्किन फ्रेश लगे और बिल्कुल ना लगे कि आपने कोई लिप्पा थोपी की हुई है पूरा लेप हुआ हुआ है पेंट हुआ हुआ है फेस आई रियली डोंट लाइक सच सॉर्ट ऑफ फेस तो मैंने अपनी जो बेस थी उसका बहुत लाइट सा एक पंप लिया उसमें प्राइमर ऐड किया थोड़ा सा उसमें मैंने अपना सन ब्लॉक ऐड किया और लिक्विड हाइलाइटर ऐड किया ये तमाम की तमाम वो प्रोफेशनल जो है वो ट्रिक होती है बेस बनाने की जो आपको बहुत लाइट कवरेज देती है और जितनी भी एक्ट्रेसेस और हम लोग बाहर मॉडल्स देखते हैं जो अपनी कैजुअल में वो यूज़ करती हैं वो सेम यही करती हैं इससे क्या होता है हाइलाइटर जो लिक्विड में अगर आपके पास ना हो तो आप पाउडर में भी कॉम्पैक्ट में जो होता है उसको लाइट सा जो है वो क्रश करके डाल सकते हैं। उसके बाद आ, क्या होता है कि जब आप डे नाइट में निकलते हैं तो आपकी डे लाइट में आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोई लगती है वो बिल्कुल नहीं लगता आपने कहीं हाईलाइटर लगाया है क्या है आप कह लेंगे दिन में सितारे चमक रहे होते हैं आपके चेहरों पे उसके बाद मैंने अपना फेवरेट शीन का लगाया लिक्विड ब्लश जो कि मैं बर्डी सूट से ज़्यादा बर्डी सूट के नाम वाला ज़्यादा लगा रही हूँ और ट्रस्ट में जो लोग शीन से ऑर्डर करना चाह रहे हैं ये हाइलाइटर मस्ट ऐड कर लें मैंने दी बॉडी शॉप पर लास्ट टाइम देखा था जो मैंने अपने ब्लॉग में भी शॉपिंग वाले ब्लॉग में जब हम स्टार्ट आ गए थे तो वो मैंने ऐड किया था दी बॉडी शॉप का बहुत ज़बरदस्त था लेकिन उनका स्टॉक जो था वो लिमिटेड था और अभी आना नहीं था और यहाँ पर आपने मेरी खुशी के इतहा देखी लिया है और ये मैंने बहुत ही फजूल सी ट्रांजेशन की जो मुझे मुझे ट्रांजेशन बनाने का बहुत शौक है लेकिन आई थिंक आई थिंक इट टेक्स टू टाइम तो इस वजह से कभी जो है मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि जब भी जाना होता है इतनी ज़्यादा जल्दियाँ मच जाती हैं कि मुझे कभी मौका भी नहीं मिला कि मैं ट्राई करूँ ये देखिए कितनी फ्लॉलेस कितनी नेचुरल टोन में जो है वो इतना लाइट मेकअप जो है मैंने उस दिन कैरी किया ये सब चीज़ें एसेसरीज मेरे साथ हर टाइम होना बहुत जरूरी है क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ा सा हार्डबर्न हो रहा था और मैंने कहा चलो ठीक है फिर कार्ड के बगैर तो आप कभी बाहर जा ही नहीं सकते हो तो ये कार्ड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये हर औरत की हर लेडी की स्पेशली अगर वो शादीशुदा हो तो ये बैंक बैलेंस वाला जो कार्ड है ना ये उसकी खुशी की की है जो उसके पास होनी चाहिए फिर हम हूं जा रहे थे हमारा अगर एक सेकेंड भी जो है लेट हो जाते हैं गल टर्न हो जाता तो हमने तीन घंटे के लिए फंस जाना था यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करते हो कि आप वहाँ पर निकल के गाड़ी से ऑरेंज कलर की जो है वो कैप टाइप जो है वो प्रॉम्प uh, रखते हो और उसके बाद आपने एक जैकेट्स पहननी होती हैं जिससे क्या होता है कि आसपास गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो ये देख रही होती हैं कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो जो है ना हसल बसल नहीं होती लाइक अफरा तफरी नहीं मचती है वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं फिर जो उससे रिलेटेड uh, जो आपके पास हेल्प uh, करने के लिए uh, 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 उन्होंने रखा होता है वो आते हैं और वो आपको देखते हैं वर्ल्स यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से जब तक मैं इसमें एंटर नहीं हुई थी तो मुझे ऐसे ही लगा था वेल से हम हमेशा अपनी जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी सारे ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगी वेल्स अदर कॉन्टिनेंट के साथ रिलेट करता है जितने भी लोग वेल्स पे शॉपिंग करने का प्लान कर रही हूँ उनको चाहिए कि वो अपना कॉन्टिनेंट का कार्ड एक बना लें उससे जो है वेल्स पे काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा लाइक like मैंने लास्ट टाइम ट्वेंटी सेवन यूरो की चीज़ परचेज़ की थी तो मुझे फ़ाइव यूरो का डिस्काउंट मिला जिसमें मुझे ट्वेंटी वन यूरो पे करना पड़ा और ये मैट का वो मे बी लाइन का फिटमी का शेड है जिसको ढूंढने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी और मैंने एक दो जगह देखा लेकिन मुझे मिला नहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देख लेते हो और आपको लगता है कि Uh, ये आपके ऊपर टर्न्स आउट अमेजिंग होगा लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हो तो पर्सनली मुझे वो कोई इतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि मैं शायद बहुत डार्क कलर्स लगाती भी नहीं हूँ तो जब मैंने उसको लगाया तो मुझे अपने ऊपर ख़ास इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा यू टेल uh, आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं आपको ये लिपकॉम को मेरे ऊपर किस तरह का लगा मतलब uh, मेरा नॉट लाइक वेरी फेयर कलर नॉट लाइक वेरी डल कलर जैसे एशियन गर्ल्स का होता है समाहौ वैसे ही है तो उस टॉन के ऊपर कैसा लगा यहाँ पर आप ही और मैं जो है ये मेरे साथ गई थी थैंक्स टू तो हर कि उन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए आप ही और मैं यहाँ पर खड़ रहे थे दुनिया गोल है पहले आप ही ने पकड़ा हमें पीछे से कहती चलो घूमते हैं दुनिया गोल है फिर मैंने कहा नहीं यार मैं आती हूँ आगे अब हम घूमते हैं और अब हम देखते हैं कि दुनिया वाकई गोल है तो हम लोग वहाँ पर फ़न फन करने के बाद ये हर जगह जो है आपके पास ये बाहर उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया होता है और हर सिटिंग एरिया का थीम इतना चेंज होता है और इतना खूबसूरत होता है कि आपको देख के इतनी रिफ़्रेशमेंट आपको आइज़ में फील होती है और प्राइमार्क में तो जितनी भी यहाँ पर देसी कम्युनिटी है वो सब के सब अगर कोई रिजनेबल में प्रोडक्ट चाहते हैं वो प्राइमार्क uh, में ना सिर्फ ज्वेलरी ड्रेसेस, आपको बैग्स, आपको जूते ईच एंड एवरी चीज़ मेकअप के हर प्रोडक्ट लेकिन मैं पर्सनली प्राइमार्क के मेकअप प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी जो है वो किसी खाते नहीं लाती बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि जब आप फेस के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करो तो इट शुड बी ब्रांडेड और वो अथोरइज होना बहुत ज़रूरी है उसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत खूबसूरत आई हुई थी और ये मुझे इतने प्यारे लगे लेकिन इट वाज अ बिट एक्सपेंसिव और ये मैं ज़्यादातर ब्लेसलेट्स वगैरह कैरी नहीं करती बट कुछ चीज़ें देख के आपको बहुत अच्छी लगती हैं मैं ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं करती जो मेरे पास जो मैंने पहना होता है ऑल टाइम वही मेरा फेवरेट होता है हाँ आ, मुझे बड़े बड़े एयर पहनने का बहुत शौक होता है तो मैं ज़्यादा जब भी ज्वेलरी देखती हूँ तो बड़े बड़े एयर का मुझे होता है बाकी यहाँ पर आ, जो था हम लोगों ने टिकटॉक पर देखा हुआ था प्राइम पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्काउंट्स लगे हुए थे लेकिन वो टिकटॉक्स जो थी वो न्यूयॉर्क वगैरह की थी कैनेडा की थी लंदन की थी तो हमें लगा सेम ब्रांड टू ब्रांड वो सारी के सारे प्रमोशंस बेडी करते होंगे लेकिन जब हम यहाँ पर गए तो प्राइमक पैसेज कोई सेल नहीं लगी हुई थी और यहाँ पर मुझे बैग चाहिए था जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग के साथ अपना स्किन केयर प्रोडक्ट बैग बनाना था तो मैं आई वॉज गेटिंग टू मतलब नर्वस कि यार मैं क्या करूँ मुझे ट्रांसपेर ट्रांसपेरेंट लेना चाहिए या मुझे मेरा इन तीन बैग्स के ऊपर बहुत दिलाया हुआ था तो फिर आई जस्ट टुक द स्काईवन वो मुझे अच्छा लगा और यहाँ पर पेंट्स बहुत अच्छी आई हुई थी हम न्यू यॉकर में गए थे जो मैंने पेंट्स का आपको स्टॉक दिखाया uh, पता नहीं क्यों इस दफ़ा ऐसा हो रहा था कि जब मैं वहाँ पर एंटर हुई ना तो आई वॉज लाइक कि अब मुझे कार्गो पेंट्स पहननी है ये जो सिक्स पॉकेट पेंट्स होती हैं ना जो ज़्यादातर मर्द हजरा कैरी करते हैं यहाँ पर लेडीज़ भी बहुत मतलब कैरी करती हैं मुझे बिल्कुल भी फिटेड में जीन्स नहीं पसंद है सो आई वाज लाइक कि कार्गो जो है ना वो बहुत बेटर रहती है और अगर आपने वेस्टर्न में कैरी करनी है उसके साथ अगर आप शॉर्ट्स शर्ट्स भी पहने तो वो आपके लिए बिल्कुल रिलेटेबल जो है वो रहेगा सो so, उसके अलावा हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लोग आए हुए हैं तो हम खाना पीना कुछ कर लेते हैं क्योंकि एंटर होती भूख इतनी लगी थी कि फैसल से मैंने कहा अब हम मैं कबाब रोल्स बना देना हम जाते पहले खा लेंगे उसके बाद हम पाँच घंटे चार घंटे घूमने के बाद दोबारा वहाँ से कुछ खाएँगे तो फिर हम वहाँ पर गए कि वहाँ पर हलाल फूड है जो लास्ट में अपनी बर्थडे पर भी गई थी फैसल के साथ और मैंने वहाँ से खाया था अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ आईडियली डोंट लाइक इट या शायद ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ इसको खाने के बाद मुझे यूँ लग रहा था जैसे उल्टी आ रही है इट वॉज सो सो सी और बस नॉर्मल लाइक like मैं इसको टेन में रेट दूँ तो आई विल गिव इट मतलब फाइव आउट ऑफ टेन मुझे इतना कोई खास नहीं लगा मैंने आधा छोड़ भी दिया कुछ इसको हम यहाँ पर डोनर कबाब एक्चुअली कहते हैं लेकिन मुझे वो इसका कोई खास इतना कोई मज़ा नहीं आया तो उसके बाद ये था कि मैंने मीठा तो फिर कंपल्सरी है मेरे लिए तो फिर मैंने कहा कि चलो हम कॉर्नेटो चनेटो खाते हैं और ये कोई नया फ्लेवर आया हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया फ्लेवर आया हो किसी भी चीज़ का तो मैंने अब हालांकि पुर्तगाल में इतनी सारे स्टॉक यहाँ पर नहीं होता लाइक किट कैट बाउंडी स्नैकर्स और भी जितनी चॉकलेट्स हैं उन सब ने अपनी अपनी, अपनी रेलिवेंट आइसक्रीम्स निकाली हैं तो आई वॉज गेटिंग एक्साइटेड और मैं ढूंढ भी रही थी कहीं पर मिल जाए कहीं पर मिल जाए मैं ट्राई करूँ उसका रिव्यू दूँ लेकिन वो मिल नहीं रही यहाँ पर और मैंने इस दफा जो थी ये सारी शॉपिंग की थी इस दफा हमालिया का मैंने परचेज किया वरना यहाँ गार्नियर के अलावा बहुत मुश्किल से आपको कोई मिलेगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब